तो जैसा कि मैं बोल रहा था, मैं आऊंगा आज सिर्फ इंडिया का नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा पेट मार्केट है। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। आप चलते ही जाओगे ये खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मार्केट है ये। और यहाँ पे आपको हर कुछ मिलेगा जो आप घर पे पेट कर सकते हो। और यहाँ पे फिश से लेके रैबिट से लेके सब कुछ है, हैन है, डक है, बर्ड्स है, हर टाइप का बर्ड्स है। इतना बर्ड्स है कि मैं सबका नाम भी नहीं जानता हूँ, बहुत बर्ड्स है यहाँ पे। और डॉग भी मिल जाएगा आपको, हर तरह का, हर ब्रीड का डॉग मिलेगा। वैरायटीज प्लांट्स भी है यहाँ पे, एक्वेरियम प्लांट्स है, नॉर्मल प्लांट्स है, फिर फ्लावर्स का प्लांट्स है, फ्रूट्स का भी प्लांट्स है, सब कुछ जो भी आपको चाहिए घर को सजाने के लिए, घर पे पेट करने के लिए, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। प्राइस कत दादा? 25,000। 25,000।
आप? अभी यहाँ से एकदम फिश मार्केट शुरू हो रहा है। यहाँ पे पूरा पीछे जो है फुल्ली एक्वेरियम का जो फिश है, मेरिन वाटर फिश वाटर का फिश रहेगा अभी। তো ধরো পাতি লেবুর গাছ কেউ নিলো, ঠিক আছে, ওটা কি সারা বছর ফল দেবে? সারা বছর ফল দেবে। কেমন দাম আছে পাতি লেবু? 200 টাকা। আর তোমার সবেদা? সাদা ফুলটা কি? গন্ধরাজ। এখানে একটা গন্ধরাজ লেবুর গাছও দেখেছি, কেমন দাম আছে? কত?
300 टका। थैंक यू दादा। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, एकदम भीग गए हम, और अभी थोड़ा बारिश रुका है लेकिन थोड़ा भीग गए, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल लेंगे और बाकी घर जाके सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था और कितना टाइम लगता है मेरे घर से यहाँ पे आने का। तो उस दिन इतना बारिश हो रहा था, अभी आप लोगों को दिखाया कि मेरा हेयर कट अभी चेंज हो चुका है क्योंकि उस दिन संडे तो गया था मैं, गलीफ स्ट्रीट है वो, ठीक है, उस जगह का नाम गलीफ स्ट्रीट है। व्लॉग 9 पार्ट 2 जो मैं ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि इतना बारिश हो रहा था उस दिन, बहुत बारिश हो रहा था, तो मैं अपने फोन से ही रिकॉर्ड किया ज्यादातर वीडियो। और वहां का जो सीन है, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार बैठता है वो बाजार संडे, तो इसलिए वहां पे बहुत भीड़ होता है, बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन अगर बारिश ना निकले हो तो बहुत लोग आता है, वीडियो करता है, हम लोग मेरा जैसा बहुत ब्लॉगर आता है वहां पे। तो क्योंकि वहां पे बहुत बारिश हुआ था इसके वजह से मैं ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया डिटेल्स में, वरना डिटेलिंग में बहुत कुछ था दिखाने को। तो लगभग मेरे घर से वहां जाने में 1.5 घंटा लगता है, और मैं कोशिश किया उस दिन उतने बारिश के अंदर भी पूरा भीग गया था, मैं पूरा भीग गया था, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो तो मैं नहीं चाहता था कि वो दिन मैं बिगाड़ दूं। मुझे थोड़ा ठंडा भी लग रहा था तब, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनाना ही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा एंटरटेन कर सकूं मेरे वीडियो के थ्रू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन प्लीज, और सबके साथ शेयर करते रहना। थैंक यू।